बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेयर आर द ह्यूमन। इस कहानी की शुरुआत में एनसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी में काम करता है। सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग अपना सामान रखने के लिए लॉकर्स किराए पर लेते हैं। एनसन का बॉस हमेशा उसे डांटता रहता है और एक दिन वो उसे डांटते हुए कहता है कि आज तुम्हें पुराने जो कि बहुत गंदे लॉकर स्टोरेज हैं उन्हें साफ करना होगा। एनसन जब उन्हें साफ करता है तो वहां पर उसे कालीन दिखती है। वो उस कालीन को खोलता है, उसके अंदर एक लड़की होती है। एनसन को लगता है कि वो एक डेड बॉडी है, पर तभी वो अपनी आंखें खोलती है जिससे एनसन डर जाता है। वही एनसन के बॉस को दिखाया जाता है जो उसे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, पर एनसन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए वो चिल्लाता हुआ उस जगह पर आता है जिस जगह को उसने साफ करने को एनसन को कहा था। वो देखता है कि एनसन वहां पर नहीं होता, इसीलिए वो एनसन का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी अचानक से उसकी आवाज बंद हो जाती है क्योंकि उसके चेहरे से उसके होंठ गायब हो जाते हैं। इसके बाद एनसन का बॉस सर्जरी से अपने होंठों को खुलवाता है, पर उसे पूरा विश्वास है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो एनसन ने किया है। इसीलिए वो FBI एजेंट्स म्यूल्डर और स्कली के पास जाता है, उन्हें अपनी फोटो दिखाता है और बताता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो सब एनसन ने किया है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। हालांकि इन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इस केस पर तहकीकात करने का फैसला करते हैं। वही एनसन को दिखाया जाता है जो घर पर अपने भाई के साथ रहता है। एनसन के भाई के पैर खराब होते हैं इसीलिए वो व्हील चेयर पर रहता है। एनसन के घर पर वो लड़की भी होती है जो उसे कालीन के अंदर मिली थी। दरअसल ये एक फीमेल जीनी है जो भी इसे कालीन से निकालता है ये उसकी 3 विशेष को पूरा करती है। और एनसन ने अपनी पहली विश में अपने बॉस के मुंह को बंद करवा दिया था ताकि वो कभी उसे डांट ना पाए। दूसरी विश में उसने एक बोट मांगी थी जो अब भी एनसन के छोटे से घर के बाहर खड़ी होती है, क्योंकि उसने जीनी को डिटेल में नहीं बताया था कि उसे बोट समंदर में चाहिए, इसीलिए अब ये बोट उसकी सरदर्दी बन चुकी है। उसके पास अब एक आखिरी विश बची है जिसे वो सोच समझ कर मांगना चाहता है। वही म्यूल्डर स्कली को दिखाया जाता है जो एनसन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर इतनी बड़ी बोट देखकर वो हैरान होते हैं। एनसन भी उन्हें अपने घर की तरफ आते हुए देख लेता है, इसीलिए वो अपने भाई से कहता है कि उन्हें घर के अंदर मत आने देना। और जब एनसन का भाई दरवाजा खोलता है तो वो दोनों के दोनों एनसन के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि एनसन घर पर नहीं है, पर यहाँ पर म्यूल्डर स्कली उस लड़की को देख लेते हैं जो कालीन के अंदर से निकली थी। इनके पास सर्च वारंट नहीं है, इसीलिए म्यूल्डर स्कली यहाँ से चले जाते हैं। एनसन बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होता है क्योंकि उसकी 2 विशेज में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जीनी उसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताना होगा क्योंकि जितना तुम मांगोगे मैं तुम्हें उतना ही दूंगी। जीनी उसे इशारा करती है कि तुम्हें अपनी 3री विश में अपने भाई के पैरों को ठीक करवा लेना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मुझे गायब कर दो। जीनी उसकी इस विश को पूरा कर देती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर इनविजिबल होकर घर से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि सड़क के दूसरी तरफ 2 लड़कियां हैं, वो उन्हें पास से देखना चाहता है, पर जब वो सड़क को पार कर रहा होता है तभी उसे एक ट्रक हिट कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि उसकी बॉडी इनविजिबल है इसीलिए उसकी बॉडी को कोई भी नहीं देख सकता। अगले दिन जब उसी रास्ते से एक लड़का साइकिल से जा रहा होता है तो एनसन की इनविजिबल डेड बॉडी से उसकी साइकिल टकराती है जिससे वो गिर जाता है। जल्दी पुलिस को FBI को पता चल जाता है कि एक आदमी की मृत्यु हुई है जिसकी बॉडी इनविजिबल है। और अब एनसन की बॉडी को एटॉप्सी के लिए लाया जाता है जहां FBI एजेंट्स स्कली उसकी बॉडी की जांच करती है। वो उसकी बॉडी पर एक खास तरह का पाउडर डालती है जिससे उसकी बॉडी विजिबल होना शुरू हो जाती है। स्कली को पता है कि साइंस को इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। अब म्यूल्डर भी यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों के दोनों देखते हैं कि ये एनसन है जिसके घर ये दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे। म्यूल्डर को एक अरब माइथोलॉजी पर विश्वास होता है जो कि जीनी की माइथोलॉजी है। उसे लगता है कि एनसन को कोई जीनी मिला होगा और उसने अपनी विश में अपने आप को गायब कर दिया। और स्कली को इस थ्योरी पर विश्वास नहीं होता, वो इसे साइंटिफिक तरीके से देख रही होती है। म्यूल्डर एक बार फिर से एनसन के घर जाता है जहां पर उसके भाई को बताता है कि तुम्हारे भाई एनसन की मृत्यु हो चुकी है। एनसन के भाई को यह सुनकर दुख होता है। म्यूल्डर कहता है कि मुझे तुम्हारा राज पता है, जरूर तुम्हें कोई पुराना चिराग मिला है जिसके अंदर से जीनी निकलता है और वो तुम्हारी विशेष को पूरा करता है। एनसन का भाई उसकी बात सुनकर डर जाता है और उसे खाली बॉक्स देकर कहता है कि हाँ, इसी बॉक्स के अंदर से वो जीनी निकलता है।
म्यूल्डर उस बॉक्स को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि इस बॉक्स के अंदर से कोई चीनी नहीं निकलता। इसके बाद उस गली के पास जाता है और उसे कंप्यूटर पर कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनके साथ वो लड़की भी होती है जिस लड़की को इन दोनों ने एनसन के घर पर देखा था। और ये फोटोज बहुत पुरानी है, अगर इतने साल पहले वो लड़की इतनी जवान थी तो आज उसे बहुत बूढ़ा होना चाहिए था। म्यूल्डर यहाँ पर समझ जाता है कि ये लड़की ही जीनी है। वही हमें एनसन के भाई को दिखाया जाता है जो गैराज में जाता है और कारपेट के अंदर से एक बार फिर से उस लड़की को बाहर निकालता है, जिसका मतलब ये है कि वो फीमेल जीनी अब उसकी तीन विशेष को पूरा करेगी। वो कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई को जिंदा कर दो। फीमेल जीनी उसकी इस विश को मान जाती है और अगले पल उसके घर पर उसका भाई होता है, लेकिन वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं होता। उसके शरीर से बदबू आ रही होती है और ना ही वो कुछ बोल रहा होता है। इससे एनसन के भाई को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरा भाई कुछ भी नहीं बोलता। फीमेल जीनी कहती है कि तुमने मुझे डिटेल में बताया नहीं, तुमने कहा उसे जिंदा कर दो और मैंने उसे जिंदा कर दिया। एनसन का भाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई बोले, और इस तरह से वो अपनी दूसरी विश मांग लेता है। जीनी उसकी दूसरी विश को पूरा कर देती है और जैसे वो बोलना शुरू करता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, जिससे जीनी और एनसन का भाई दोनों अपने कानों को बंद कर लेते हैं। उस देर बाद एनसन जब शांत होता है तो अपने भाई से कहता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया, मेरे सीने में ना दिल धड़कता है ना ही मेरी रगों में खून बह रहा है, जिस वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। एनसन अपने भाई को डांट रहा होता है। एनसन का भाई कहता है कि मैंने अपनी दो विशेष को तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कोई विश बर्बाद नहीं करूंगा। अब वो अपनी तीसरी विश अपने लिए मांगना चाहता है जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। वही एनसन को दिखाया जाता है जिसे बहुत ठंड लग रही होती है, इसीलिए वो गैस जलाने के लिए जाता है, पर उसकी गलती से नोब टूट जाता है जिससे गैस लीक होना शुरू हो जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं इसीलिए वो मैस्टिक से आग नहीं जला पा रहा होता, जिसमें उसे देर हो जाती है। और जैसे वो मैस्टिक को लाइट करता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में एनसन एक बार फिर से मारा जाता है, पर अब उसका भाई भी मारा जा चुका है। ठीक इसी वक्त म्यूल्डर और स्कली भी घर के बाहर आ चुके होते हैं, जिनकी इस धमाके में मृत्यु होने से बच जाती है। लेकिन इन दोनों को पता है कि अब भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जल्दी इन्हें वो कालीन मिल जाता है जिसके अंदर वो जीनी होती है। म्यूल्डर कालीन से जीनी को बाहर निकालता है, जिसके बाद अब म्यूल्डर उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो बताती है कि आज से 500 साल पहले मुझे जीनी का एक चिराग मिला था, जिस चिराग से जीनी बाहर निकला। उसने कहा कि मैं तुम्हारी तीन विशेष को पूरा करूंगा, मैंने अपनी दो विशेष पर बात कर दी, और तीसरी विश में मैंने मांगा कि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली बन जाऊं। मैं उसकी तरह शक्तिशाली तो बन गई, लेकिन उसकी तरह श्राप भी मुझे लग गया। मैं कालीन में कैद हो गई। जो भी मुझे कालीन से बाहर निकालता है मैं उसकी तीन विशेष को पूरा करती हूँ, जिसके बाद एक बार फिर से मैं कालीन में कैद हो जाती हूँ। फीमेल जीनी कहती है कि इंसान बेवकूफ है, वो कभी भी विशेष को पूरी तरह से मुझे डिटेल में नहीं बताते, जिस वजह से उनका अंत बहुत बुरा होता है, इसीलिए मुझे इंसान अब बिल्कुल पसंद नहीं है। म्यूल्डर उस फीमेल जीनी से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। वो कहती है कि मैं नहीं जा सकती, तुमने मुझे कालीन से बाहर निकाला है, इसीलिए तुम्हें अपनी तीन विशेष को मांगना होगा जिन्हें मैं पूरा करूंगी। म्यूल्डर जीनी को दूसरे कमरे में ले जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या विश मांगना चाहोगी। वो कहती है कि मैं शराब से मुक्त होकर एक आम इंसान बनना चाहूंगी। इसके बाद म्यूल्डर कहता है कि मेरी विश ये है कि इस पूरी दुनिया में शांति हो जाए। फीमेल जीनी उसकी विश को पूरा कर देती है। म्यूल्डर जब बाहर आता है तो देखता है कि इस दुनिया में ना एक इंसान है, ना पशु, ना पक्षी। इस दुनिया से हर वो चीज जो किसी भी तरह की आवाज करती है वो गायब हो चुकी है। उसे समझ में आ जाता है कि जीनी ने उसकी विश को सही से नहीं समझा। दरअसल वो इस दुनिया से हर तरह की बुराई को, पाप को, लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहता था, पर अब कुछ और ही हो गया। उसके साथ ही स्कली भी गायब हो चुकी है, इसीलिए वो जीनी के पास दोबारा आता है और कहता है कि तुमने क्या कर दिया। जीनी कहती है कि तुम्हें हर चीज को डिटेल में बताना चाहिए था। इसके बाद दूसरी विश में वो कहता है कि जैसा पहले था वैसे हो जाए, और उसकी दूसरी विश को जीनी पूरा कर देती है, जिसके बाद सब के सब वापस आ जाते हैं और अब उसके पास एक ही विश है। म्यूल्डर अपनी विश को बहुत अच्छे से लिखता है ताकि सब कुछ डिटेल में वो फीमेल जीनी को बता सके। म्यूल्डर इस दुनिया को बेहतरीन बनाना चाहता है, जहां पर कभी किसी के पास किसी चीज की कमी ना हो, किसी भी इंसान को किसी चीज के लिए किसी तरह का संघर्ष ना करना पड़े, हर इंसान की जिंदगी में खुशी हो, दुख का इस दुनिया में नामो निशान ना हो,
स्कली भी वहां पर आ जाती है जो उसे समझाती है कि ईश्वर ने इस दुनिया को इस तरह से बनाया है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। जब हम संघर्ष करते हैं और किसी चीज को पाते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। उसकी बात सुनकर म्यूल्डर समझ जाता है और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो उसने लिखा होता है उसे ऑफ कर देता है। शाम को वो एक बार फिर से स्कली के पास जाता है। स्कली उससे पूछती है कि तुमने अपनी आखिरी विश में क्या मांगा, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ हमें फीमेल जीनी को दिखाया जाता है जो एक कॉफी हाउस में बैठी होती है। उसके चेहरे पर खुशी होती है। दरअसल म्यूल्डर ने अपनी आखिरी विश में ये मांगा होता है कि जीनी को उसके शराब से मुक्त कर दिया जाए, वो एक आम इंसान बन जाए, जो कि अब वो बन चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।